उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, उसका नाम है अमित अग्रवाल, आपके सामने बैठा है, अपकमिंग है। उनके डैडी मिले मेरे को, बोले ऐसे बेटे का गाना करना है, बोला हाँ जी, तो मीटिंग हुई, वो आए। तो इससे पहले 10 साल पहले यही लड़के का, धर्मेश तिवारी जी थे डायरेक्टर, मैं कोरियोग्राफर था, इनका एक गाना किया था 10 साल पहले। फिर उसके बाद 10 साल के बाद फिर आए, तो बोले ऐसे ऐसे गाना करना है। गाना सुना, मेरा अच्छा गाना है, फिर रिहर्सल करवाया, फिर निधि के पास गया मैं, निधि से बुलाया, निधि को रिक्वेस्ट किया, तो निधि तैयार हुई करने के लिए, निधि का साथ हुआ, तो एक गाना खूबसूरत बन गया। और अमित ने भी बहुत मेहनत की इसमें। अभी नया लड़का है, अभी आस्ते आस्ते एक गाने से दूसरा गाना है, दूसरे गाने में मेरी बात चल रही, 2-3 आर्टिस्ट और से, बड़े बड़े आर्टिस्ट से चल रही है। क्या इसका प्रमोशन कुछ अच्छा हो जाए, लड़के का कुछ लाइफ बन जाए, वही हमारा आशीर्वाद है, कुछ हम चाहते हैं, कुछ हो जाए उसका। आपको या 10 साल दुल्हे को आने में 10 साल का वक्त लग गया? फिर बीच में ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे बच्चे के साथ, तो शेरवानी सिलाने में टाइम लग रहा था। नहीं, वो बात नहीं थी, और कुछ प्रॉब्लम था जी, बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फिर आस्ते आस्ते हो गया। अभी वो करेक्ट कर रहा है, अभी मेहनत कर रहा है, अभी आगे गाने भी एक आ रहे हैं, और एक गाना आपको चाहिए तो ऑडियो भी सुना दूंगा मैं, बहुत बढ़िया गाना है, वो भी रूप कुमार राठौर जी ने गाया और विनोद राठौर जी ने भी गाया। तो इसमें सब सिंगर ने बहुत साथ दिया है, और साथ में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको, कुछ अच्छा हम लोग करके दिखाएं, बस यही है। थीम की बात करें तो किस प्रकार का थीम था? थीम अलग अलग है, अभी एक है क्लासिकल के ऊपर, आम्रपाली का है पूरा, वो है इसमें था क्या, एक लड़की ने धोखा दे दिया, नशे के लिए थोड़ा प्यार चाहिए, तो वो एक कहानी बने हमने, जैसे अंगूठी पहनाता है वापस कर देती है, फिर दूसरे लड़के से एंगेजमेंट होती है, तो उसमें पार्टी सॉन्ग किया, उसके हिसाब से थीम बनाया था हमने, वो स्टोरी बोर्ड वैसे बनाया गाने के हिसाब से। अभी जो नेक्स्ट स्टोरी बोर्ड है, ये पेंटर है, मतलब पूरा नक्शा करता है, लड़की का फोटोज बनाता है, फोटो में से लड़की निकलती है, फिर वो पूरा हाई स्पीड में बाहर, फिर आम्रपाली पुराना महल देख रहे हम लोग, कोई मिल जाए बड़ा लोकेशन मिल जाए, जैसा इधर है हमारे पनवेल में सूर्य फॉर्म में हवेली है, उसके बाद या हम जाए वाई में, 2-3 जगह देख रहे लोकेशन, तो जहाँ होएगा वहाँ हम लोग वो करेंगे सेकंड सॉन्ग। अमित, सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं, बड़ा दिन है आपके लिए? बस यही कि इसमें इंडस्ट्री में कुछ नाम हो जाए तो अच्छा। यहाँ देखिए, यहाँ लुक सेंटर, अमित क्या कहना चाहते हो, सबसे बड़ा दिन है आपके लिए आज? बस यही कि इंडस्ट्री में नाम हो जाए और कुछ मतलब सफलता मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर बन के आया हूँ और एक्टर बन के आया हूँ, तो दोनों में अच्छा हो जाए तो अच्छा ही है। सर, आपने बारे में कुछ बताइए अभी। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुलुंड में, और काफ़ी स्ट्रगल की थी मैंने पहले 2001 में, तो कुछ हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि प्रोड्यूसर बन के करते हैं एक बार, तो प्रोड्यूसर बन के किया तो काफ़ी आसान हो गया काफ़ी चीज़ इसमें, एल्बम बनाने में। निधि, इट्स योर टर्न, या व्हाट वुड यू लाइक टू से फर्स्ट ईयर हियर? First, I would love to say hello, namaskar, pranam, सभी को। And yes, आज मेरी हमारी हिंदी एल्बम जो है आए हैं दुल्हा दुल्हन ले जाएंगे का म्यूज़िक लॉन्च है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब आए हैं। एंड जैसा कि मास्टर जी ने कहा कि अमित जी के लिए बहुत बड़ा दिन है, आपने भी बताया, एंड वी आर ट्राइंग कि हम अगर कुछ कर सकें जिससे कुछ अच्छा हो सके, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर जस्ट सपोर्टिंग, वी आर जस्ट हेल्पिंग, कि अगर हमारे कुछ थोड़े से भी योगदान से, अगर ये प्रोड्यूसर अभी बने हैं, प्रोड्यूसर वैसे जो भी होते हैं एक्चुअली प्रॉफिट ही होता है, माफ कीजिएगा, बट एज एन एक्टर, अपकमिंग एक्टर है, एंड बहुत ही ज़्यादा एक बात इनकी अच्छी है कि बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, सो व्हाट आई एक्चुअली लाइक्ड अबाउट हिम, एंड होप कि जो गाना अभी आए हैं आप सबको ये गाना पसंद आएगा और आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे इसे। और निधि, क्या मैं मानूं इसे, मैं इसे आपकी मैं बात करता हूं, बाकी लोगों की बात नहीं करता, आपकी बात करता हूं, क्या इसे बॉलीवुड की तरफ पहला कदम मानूं? आप कह सकते हैं जी हाँ, ये पहला कदम है, एंड नेक्स्ट मंथ
एक और बड़ा धमाका आपको मैं अनाउंस करने वाली हूँ, बट नेक्स्ट मंथ तक हम वेट करेंगे. बहुत बड़ा धमाका देने वाली हूँ. मतलब क्या बॉलीवुड मूवी साइन कर रही है निकिता? समवेयर यस. थोड़ा सा खुल के बता दीजिए. देखिए खुल के वो आपको मैं अच्छे से लिलिया चली बॉलीवुड और बॉलीवुड में जाके वो क्या करने वाली है उसमें भी आपको कुछ नया दिखने वाला है. तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए सिर्फ अगले महीने तक का. पप्पो ये दूल्हा जो आया है ये जो एल्बम है पूरा इसमें कितने गाने हैं किस मूड के हैं और आर्टिस्ट आप कुछ बता रहे थे बड़े बड़े आर्टिस्ट नजर आएंगे. जब तक फाइनल नहीं होता मैं नाम भी डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी लोग से बात चल रही है सारे आर्टिस्ट से. अभी रिसेंटली दो तीन और आर्टिस्ट से बात की, कल मीटिंग एक और है. तो जैसे हो क्योंकि गाने पे लोग सोचते कौन आर्टिस्ट है जी. क्या है तो उसके हिसाब से चल रहा है. अभी आर्टिस्ट को कंसेप्ट बताऊंगा क्या करना है, ये है ये करना है, उसके हिसाब से फिर वो राजी हो जाते हैं. क्योंकि जब तक हम स्टोरी बोर्ड नहीं ले जाए उनके सामने तो आप क्या करने वाले हैं, जब तक वो आर्टिस्ट कोई मानता नहीं है. अमित बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आपने निधि के साथ आप काम किया, बताया जा रहा है कि कुछ और बड़े नोटेड आर्टिस्ट के साथ आप काम करोगे. आपको लगता है करियर को इसका फायदा होगा एक दिन आपके? फायदा तो होगा क्योंकि निधि तो काफ़ी पॉपुलर है, उनको अवार्ड भी मिला है मोस्ट पॉपुलर अवार्ड और डेब्यूटेंट अवार्ड भी मिला था, तो इनके साथ काम करके तो फेमस होऊंगा ही ना मैं. कैसी रही केमिस्ट्री निधि के साथ पर्दे पर? अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑफ स्क्रीन तो कुछ नहीं थी, ऑन स्क्रीन अच्छी थी. नहीं मतलब कुछ बात नहीं है ऑफ स्क्रीन. मैं बस यही कहना चाहूंगी इनका यही है था कि ये बहुत ही शांत व्यवहार वाले इंसान है. इनका बस ये था कि सेट पे आएंगे काम करेंगे एंड दैट्स ऑल, नो ज़्यादा क्लोजनेस, नो गॉसिपिंग थिंग. तो यही ये कहना चाहते हैं कि ऑफ स्क्रीन वी आर जस्ट एक्चुअली नॉट ऑफ स्क्रीन वी आर जस्ट ऑन स्क्रीन नॉर्मल को एक्टर्स ऑफ ईच अदर एंड और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. निधि बॉलीवुड में ये कहा जाता है कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसको प्रोड्यूसर बना दो. जी ऐसा मैं नहीं मानती हूँ. मैं मानती हूँ कि सारे लोग अपना काम करते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं, पैसा लगाना कोई छोटी बात नहीं होती है. जैसा कि इन्होंने भी पैसा लगाया है, मेहनत का पैसा होता है. एंड हमारा फ़र्ज बनता है इफ़ एज एन एक्टर अगर मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपना 100% दूँ. मास्टर जी कर रहे हैं तो मास्टर जी अपना 100% दें ताकि एक अच्छे से एक यूनिट बन के एक अच्छा चीज़ आए और वो चीज़ आप सबको हम दिखा पाए एंड वो चीज़ आपको अच्छी लगे, बस यही कोशिश रहती है. अमित आखिरी सवाल चलते चलते कहते हैं कि प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है, कैसा रहा? तो जवान है ये तो अभी अभी नए नए प्रोड्यूसर आए हैं, बूढ़े हो जाएंगे क्या बात कर रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं एक्सपीरियंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सबने सपोर्ट किया अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई मुझे. चेक वर्क दे दिए सबके? नहीं कैश दिया. ये लव स्टोरी किसकी है? ये आपकी अधूरी लव स्टोरी हुई या अधूरी सी लव स्टोरी दिखी मुझे? नहीं ऐसा तो अभी तक कुछ है नहीं है, ये ओरिजिनल ही है. पहले से इनकी कहानी बनी हुई थी कि आया दूल्हा दुल्हन ले जाएगा, एक टाइटल रखा हुआ है, उसमें अलग अलग गाने हैं, अलग अलग किस्म के गाने हैं. अभी जैसे हम लोग पिक्चरों में करते हैं, अभी आपने रिसेंटली अभी वहाँ मुहूर्त पे भी आए थे, अल्फा मचा के गई वहाँ भी आए थे, तो वो अलग थीम होता है वैसे गाने करते हैं. अभी एक नई खुशखबरी मैं भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, एक बड़ा धमाका मैं भी देने वाला हूँ आप लोग को. मतलब अगला महीना धमाका बना होगा. बस ऊपर वाले ने चाहे तो यही बहुत अच्छा होगा. मैं एज ए डायरेक्शन मेरी पिक्चर सेट पे जा रही है, बस आपको बता दूं. क्या बात है. तालियां. थैंक यू. पप्पू ये जरा इसी टीम के बारे में मुझे बता दीजिए जाते जाते, और जो लोग जिसने जिसने गाया है लिरिसिस्ट बाकी चीजें बता दीजिए. इसमें टीम में हमारे जैसे अमित जी है, निधि जी है, और सबसे बड़ा कैमरामैन दामोदर नायडू जी है हमारे DOP वो है, और इमरान हमारे करके हमारे डायरेक्टर है वो है. बाकी सब लोग ने सिंगर्स बहुत बड़े बड़े हैं, रूप कुमार राठौर जी है, विनोद राठौर जी है, और कौन है? संजीवनी बिलांडे. संजीवनी और बस शिवा और सोनू. हाँ वो न्यू कमर्स है. वो न्यू कमर्स है. और इसमें एक और लड़की से गाना करवाए थे हमने पहले, रुचा गुजराती. रुचा गुजराती से भी करवाया था गाना, आज उसको बुलाया था, वो काम बिजी है नहीं आई, कल फ़ोन पर बात भी हुई थी. तो यही हमारी टीम यही है, अभी हम तीन
यही हमारी टीम। आप तो आपके बारे में कहा जाता है आप तो नॉन डांसिंग स्टार्स को भी नचा देते हो, सनी देओल को भी नचा दिया था, इसमें इस बंदे में कितना टैलेंट दिखता है एज अ डांसर? एज अ डांसर तो अभी टाइम लगेगा उसको, ट्रेनिंग कर रहे, ऐसा कोई डांस वाला गाना तो है ही नहीं। पहले एक डांस वाला गाना था वहाँ किया था हमने, अभी रिसेंटली कोई ऐसा गाना नहीं। अभी होएगा तो उसको एक महीने की रिहर्सल पहले करवाऊंगा, एक महीने के बाद शूटिंग करूंगा। मुझे आखिरी सवाल चलते चलते, सरोज जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जो कि कास्टिंग काउच को लेकर था और काफ़ी बवाल मच गया उस विषय को लेके, कि उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है पर रोटी तो देते हैं छोड़ नहीं देते, ऐसा सहमत थे आप? नहीं नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसी नहीं है। रोटी देते ऊपर वाला सब काम देता है, हर एक आर्टिस्ट आता है वो अपने मेहनत से आगे बढ़ता है, हम लोग कोई नहीं है, उनके कैरियर अपने हाथ से बनाते, वो मेहनत करते हम लोग मेहनत करवाते तो अपने आप ही बनते हैं, ऊपर वाला ही है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आए कास्टिंग ऐसा कोई लेके जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उनका साफ कहना था कि कोई भी लड़की आए तो उस पर कोई ना कोई हाथ सफा करता ही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे इतने साल के कैरियर में, करते आ रहे, कितने बच्चे आए, कितने बने, सारे आर्टिस्ट बने, कभी ऐसा मैंने तो अपने नहीं देखा। बाकी जो माने, थैंक यू।